रोहित, रोहित ही हो ना? तुम्हारे बम्पर ऑफर की वाट लग गई। उसने हम सबको बाथरूम में फ्लश कर दिया रे पापा। पहले बता, किसने उससे टच करने की कोशिश की? मैंने। जानता है वो लड़की कौन है? वो मेरी मंगेतर है। दोबारा छुआ ना तो तू गया। श्रुति, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। ऊपर वाले ने तुम्हें बहुत खूबसूरत बनाया है, उसका गलत फायदा मत उठाओ। तुम किसी को आई लव यू कह दो तो वो सब निछावर कर देगा, लेकिन तुम्हारे मजाक से किसी की जान भी जा सकती है। चंद पैसों के लिए किसी के जज्बात से मत खेलो। दिल टूटने से इंसान भी टूट जाता है। मोहब्बत की कदर करना सीखो। तुम्हें इसका एहसास तब होगा जब तुम्हें किसी से सच्चा प्यार होगा। प्यार पवित्र होता है, उसकी पूजा करना सीखो। ये क्या कह रही हैं आप? हाँ भाई साहब, रोहित ने खुद अपनी आंखों से श्रुति को किसी और के साथ देखा है। वो बहुत अपसेट है, लेकिन किसी तरह मैंने उसे समझा बुझाकर मना लिया है। नो, ऐसा नहीं हो सकता। जरूर कुछ गलतफहमी हुई है। सर, आपसे मिलने कोई आया है? उसे बोलो बिजी हूं। बोला सर, पर वो बोल रहे हैं बहुत जरूरी बात है। ठीक है, भेजो। नमस्कार। नमस्कार। लगता है कोई फैमिली मीटिंग चल रही है, मैं शायद गलत टाइम पर आ गया, बाद में आता हूँ। नहीं, कोई बात नहीं, ऐसी कौन सी जरूरी बात है? मेरा नाम मोहन राव है, मैं लोखंडवाला में रहता हूँ। मेरा बेटा लोकल बैंक में काम। मुझे बायोडाटा क्यों बता रहे हैं? क्योंकि मेरा बेटा आपकी बेटी से बहुत प्यार करता है, उनके रिश्ते की बात करने आया हूँ। मेरी श्रुति तुम्हारे बेटे से प्यार करती है? ये मैं क्या सुन? मैं बात कर रहा हूं ना। वैसे इस सब के बारे में मुझे भी पता नहीं था, आपके बेटे ने बताया। श्रुति, क्या तुम इन्हें जानती हो? जानती हूं पापा। और इनके बेटे से, इनके बेटे से प्यार करती हो तुम? सच्चाई बता दी तो भाई साहब का हार्ट फेल हो जाएगा। बताओ भी, तुम उसे प्यार करती हो? हाँ करती हूँ पापा। ये जानते हुए भी कि किसी और के साथ अगले हफ्ते तुम्हारी शादी होने वाली? रवि से मिलकर मैं सब कुछ भूल गई पापा। मैं आपकी खुशी के लिए आपके पसंद के लड़के से शादी करने को तैयार हुई थी, लेकिन मुझे तो खुशी तब मिलेगी जब मैं रवि की दुल्हन बनूंगी पापा। फिर भी आपकी खुशी के लिए मैं आपकी हर बात। Enough. Go inside. अंदर जाओ। देखा कितनी बेशर्म है, क्या आपको लगता है ये अभी भी पवित्र है? मैं माफी चाहूंगा, गलती मेरी है। मैं समझ सकता हूँ आप कैसा महसूस कर रहे होंगे। मैंने गलत टाइम पर आकर आपसे गलत बात कह दी। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि मुझे बहू नहीं चाहिए, बेटी चाहिए। मेरी विनती है कि आप उसके बारे में सोचिए। अगर फिर भी आपको रिश्ता मंजूर नहीं तो मेरा बेटा कभी भी आपकी बेटी के रास्ते में नहीं आएगा। बस इतना ही कहना चाहता हूं, आगे आपकी मर्जी। आपने बेटी को सिर पे चढ़ा रखा है, इसीलिए वो फिसलती जा रही है। हमें ये सब नहीं चलेगा। आप ही की वजह से वो आपके साथ हमारी भी इज्जत उछाल रही है। अगर वो मेरी बेटी होती तो मैं उसे कुएं में धक्का मार देती ताकि वो जिंदा ना बच पाए। बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। बस करो। कैसे बस करूं? मैं इसके हाथ में शादी की बात तोड़ूं। अब मुझे बोल दे दो। भाई साहब, जो भी कुछ हुआ उसे भूल जाइए। करेक्ट, अब भूलना ही होगा। ये शादी नहीं होगी। क्या कह रहे हैं? यस यस, देखिए मुझे अपनी नहीं अपनी बेटी की खुशी प्यारी है।
आपकी बात और उस इंसान की बातों में कितना बड़ा फर्क है। उसने कहा कि उसे बहू नहीं बेटी चाहिए, बेटी। और वहीं आपने कहा कि आपको बहू की जरूरत है और उसके हाथ पैर तोड़कर उसे सबक सिखाएंगे आप। नहीं, नो, प्लीज नो। आई एम सॉरी। उस बुड्ढे ने कहा और शादी कैंसिल। आप उसकी बात चुपचाप सुनकर यहाँ मुंह लटकाते हुए चले आए। अरे उसका गला क्यों नहीं दबा दिया? वो क्या कर रहा है? तो और क्या करूं? किसी लड़की में मुझे रिजेक्ट करने की हिम्मत नहीं है, लेकिन वो एंगेजमेंट होने के बाद भी मुझे रिजेक्ट कर रही है। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। पर मैं तो... ये बुद्धू तो सिर्फ सर हिलाता रह गया। मेरे भाई ने सुन लिया तो उसका सर काट देगा। अब मेरा भाई बदला लेगा। नहीं नहीं, मुझे कुछ पता नहीं राघव भाई, मुझे जाने दो। मैं कुछ नहीं जानता। बोल कहाँ है वो? मैं शंकर के बारे में कुछ नहीं जानता। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। बोलो बहना। अपने भांजे का घर बसाना चाहते हैं तो उस लड़की के प्यार को मिटाना होगा। लव को मिटाना मुश्किल है बहना, इसीलिए उस लवर को ही मिटा देते हैं। मामा तुम बस उसे जल्दी से खत्म करो। भांजे, तुम्हारी शादी के लिए तो मैं एक क्या पूरी दुनिया के लवर्स को मिटा दूंगा। एकदम सही टाइम पर आ गए बेटा। ये धोती कुर्ता पहनाकर मंदिर क्यों लाए? सरप्राइज है, आओ ना मेरे साथ। आओ आओ। हाँ बोल। बॉस, हम नाना के गोवा वाले फार्म हाउस पर पहुंच चुके हैं। इस बार वो हमसे बच नहीं पाएगा। उसकी खोपड़ी पे गन तान के रखो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। जल्दी आओ बॉस। आओ बेटा, शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए। आ जाओ। ये फूल भगवान पे चढ़ा दो। ये यहाँ क्या करिए? अरे यही तो सरप्राइज है। आपने मेरा जनाजा निकालने का सोच लिया? अरे मैं इतना गिरा हुआ थोड़ी ना, सिर्फ एंगेजमेंट का कार्यक्रम है। मतलब आज सूली पर चढ़ना फिक्स है? सूली पर चढ़ना मतलब? क्या तुम दोनों प्यार नहीं करते, शादी नहीं करना चाहते? पापा आपको सच्चाई नहीं पता है? मुझे सब सच्चाई पता है, इन लोगों ने बता दिया है मुझे। देखो बेटा, श्रुति तुम्हें सच्चे दिल से प्यार करती है, तुम्हारे लिए अपनी मंगनी तक तोड़ती है। इसने अपनी मंगनी तोड़ दी? मीका, मिल गए वो लोग। बॉस, इन्होंने उल्लू बना दिया। उल्लू बना दिया? हाँ बॉस, मैं सही कह रहा हूँ। यहाँ पर शंकर और नाना के नाम से उनके चमचे रहते हैं। बोलो तो ठोक दूँ? क्या बकवास कर रहा है? सच कह रहा हूँ, ये लोग हम पर हंस रहे हैं बॉस। आप दूल्हा दुल्हन को बुला लीजिए। तुम इनकार नहीं करोगे, मेरी कसम खाओ। लेकिन नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। मेरा बेटा रवि, ये तुम्हारे होने वाले ससुर जी। पैर छू, पैर छू। बेटा मुहूर्त का समय हो गया, जरा चल चल। एक मिनट, कुछ बात करनी है। देखा आपने कितना शर्मीला है। आप चलिए, हम आ रहे हैं। चलिए चलिए चलिए। अब क्या हो गया? पापा मेरी बात कुछ नहीं सुनूंगा। चिराग लेकर भी ढूंढोगे तो ऐसी लड़की नहीं मिलेगी। उसकी आंखों में मैंने तुम्हारे लिए प्यार देखा है, समझा ना? अरे यार, अपने पापा की बात मान ले। अरे तुम लोग भी, मैं तो शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। पापा आप जो कहेंगे मैं करूंगा। पहले अंदर चलिए मेरे साथ। आइए आइए मेरे साथ। पापा पापा, आपके चेहरे पे कुछ लगा है। अंदर जाइए, शीशे में देख लीजिए। चलिए चलिए, मैं आ रहा हूं। हे हे रवि, मुझे, अरे खोलो रवि। हे सब लोग रुक जाओ। रोहित ये क्या कर रहे हो? मैं पुलिस को बुलाऊंगा। जिसको बुलाना है बुला ले, यहाँ किसी और का नहीं, मेरा हुक्म चलता है। अभी पता चल जाएगा तुझे। हा? अरे ओ मेरे भांजे, अपनी दुल्हन को लेकर जा। रोहित, ये क्या तमाशा? तू सिर्फ मेरी है। रुक जाओ।
छुपा बैठा है। ये रवि है या फिर शंकर है? तुझे ढूंढने के लिए मैंने सारी धरती छान मारी और तू साला यहाँ छुपा बैठा है। ए राका, पौधा लगाएगा तो छाया मिलेगी, कुत्ता पालेगा वफादारी मिलेगी, दुश्मन बनाएगा तो मौत मिलेगी। सांप और नेवले की दुश्मनी जितनी पुरानी हो जख्म उतने गहरे होते हैं। तू मुझे मारेगा तो इतने दिन छुप क्यों गया था मुझसे? कायर है तू, भगोड़ा है, और आज सही समय पर सामने आ गया है। खत्म कर दो। अरे बाप बेटे हैं तो साथ में ही रहेंगे ना? ये बाप बेटे नहीं हैं, ये दोनों तो पहले भी एक दूसरे के खून के प्यासे थे, जानी दुश्मन थे। ये हैदराबाद के नामचीन गैंगस्टर हुआ करते थे, शंकर और नाना, यही हैं वो। ढूंढते ढूंढते दिन रात एक कर दिए।